हेलो हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं जो लाइव देख रहे हैं, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो, हाँ भगवती, आवाज़ आ रही भी क्लियर? हेलो। अपन बात करेंगे आज मौलिक अधिकारों की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों की। तुम्हें बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही? यस और नो? हेलो, हाँ तो जल्दी से एक बार फटाफट इसको, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं उसको लाइव शेयर कर दो। शायद तक क्लियर दिख रहा, आवाज आ रही मेरी? हाँ तो एक तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निम्न में से कहा गया है। ऑप्शन ए मैग्ना कार्टा, बी अलौकिक भाग, सी सर्वाधिक प्रकाश मान और डी ऑल प्रकाशीय मान। हाँ तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या है और इसको शेयर कर दो फटाफट। अभी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निम्न में से कहा गया, यानी क्या कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को? और इसको शेयर कर दो भाई अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निम्न में से कहा गया है, मैग्ना कार्टा, अलौकिक भाग, सर्वाधिक प्रकाशमान भाग। मैं आप सभी का एक बार फिर से दक्ष स्टडी सेंटर का फेसबुक और यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दक्ष स्टडी सेंटर लगातार आपको संविधान के बारे में अपडेट देता रहता है और आगे भी अपडेट देता रहेगा। तो मेरी निवेदन है सभी से कि इसको शेयर कीजिए। और अभी वर्तमान में आई हुई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे पटवार, राजस्थान पुलिस, रिट, फर्स्ट ग्रेड और आने वाली जो भी वैकेंसी हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक हैं। तो एक बार सभी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितने भी अपने ग्रुप हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या जितने भी सोशल साइट्स हैं वहाँ पर, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये बात पहुंचे और उनको समझ में आए कि भारतीय संविधान की अपन बात कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। जो मौलिक अधिकार जिनके बारे में बहुत ज़्यादा, इन्हें अपने भारतीय संविधान सर्वाधिक यदि किसी
भाग पर चर्चा हुई, जैसे भारतीय संविधान भाग अभी वर्तमान 25 भाग है, उनमें सर्वाधिक समय तक यदि कोई चर्चा हुई है तो वो मौलिक अधिकारों पर हुई है। तो जो भी लोग देख रहे हैं इसको लाइव, वो एक बार शेयर कर दे फटाफट, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये बात अपनी पहुंचे। हाँ, अब मुझे आंसर बता दीजिए, लेकिन तो अपन आगे बढ़े, एक बार स्टार्ट हो गए, सब लोग जुड़ जाइए फटाफट लाइव आ जाइए। अभी तक एक भी विद्यार्थी का जवाब नहीं आया है। चलिए, हाँ तो इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ, और इसका जवाब सही है डी। क्या आंसर सही है इसका? डी, यानी मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में मेघना कार्टा भी कहा गया है, अलौकिक भाग भी कहा गया, सर्वाधिक प्रकाशमान भाग भी कहा गया। अब कैसे कहा गया, क्या कहा गया, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, वन टू वन करके एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा। पहली बात तो करूँ, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भारतीय संविधान उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 3, और हम बात करें अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य, 12 से 35 के मध्य जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग की गई, विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ की गई? तो मेरा ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है अमेरिका, सी है जापान, और डी है भारत। यानी विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ हुई, या मैं बात करूँ अधिकारों की मांग विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई? तो मैंने ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जापान, और डी भारत। तो मुझे बताइए इनमें से, यानी विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ हुई? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और भारत। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे फटाफट कमेंट दीजिए। एक बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है, ठीक है ना? 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और कुल अनुच्छेद की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कुल अनुच्छेद कितने आते हैं इसके अंदर, तो आप देख लीजिएगा 24 कुल अनुच्छेद आ जाते हैं। तो टोटल 24 अनुच्छेद होंगे 12 से लेकर 35 तक, वो अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। तो विश्व में भी मेरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग जो कहाँ की गई, बताइए मुझे आप फटाफट जवाब दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम पूछ रहे हरी सिंह, तो दक्ष स्टडी सेंटर के नाम से भाई, दक्ष स्टडी सेंटर आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, अभी जो क्वेश्चन लिखा उसका जवाब दीजिए फटाफट। बी 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 एक ओहो राजबरकोट एक बहुत बड़ा लिख दिया अमेरिका। ओके हेलो सर ईश्वर हेलो। हाँ देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो आंसर सही है कि विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ की गई थी, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या सही है, इंग्लैंड। अब कमेंट के साथ मैं आंसर भी देखते रहिएगा कि सही आंसर क्या, इंग्लैंड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कब हुई इंग्लैंड में मांग, ध्यान रखिए 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में जॉन द्वितीय 1215 ईस्वी में जॉन द्वितीय के समय ब्रिटेन बोलूं या मैं इंग्लैंड बोलूं, मैं सर्वप्रथम वहां के किसानों के द्वारा मांग की गई थी, उनके अधिकारों की मांग की थी,
और जॉन द्वितीय ने उनकी मांगों को मान लिया गया था। जॉन द्वितीय ने उनकी मांगों को मान के और उनकी जो मांग थी उसको मेघना कार्टा कहा था, मेघना कार्टा कहा था, मेघना कार्टा। आपको ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो वही, यस और नो? हाँ दिख रहा है, ठीक है, ओके। हाँ तो मेरा ध्यान दीजिए कि विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग कहाँ की गई, इंग्लैंड में। अब इसका मैं सारा आंसर बता रहा हूँ कैसे इंग्लैंड मांग की गई थी 1215 ईस्वी में जॉन द्वितीय के समय, यहाँ भी किस संबंध मांग की थी उसे मेघना कार्टा कहा था। तो अब यही क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस भाग को मेघना कार्टा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 3 को मेघना कार्टा कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक, यानी विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ की गई, तो ब्रिटेन में। चलिए तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट की तरफ अपना आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ हुई, तो आप बताइएगा इंग्लैंड में हुई 1215 में जॉन द्वितीय के समय और मेघना कार्टा की सर्व मांग की थी। अब देखो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड, भ्रातृत्व यानी अपन बोल सकते हैं यहां पर भाईचारा, ब्रदरहुड जैसे शब्दों का उपयोग किया गया था। यानी इसके बाद में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या भाईचारा या ब्रदरहुड जैसे शब्दों का उपयोग सबसे पहले कौन सी क्रांति में आए थे, फ्रांस की क्रांति में। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में, भारतीय भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, निकाल किया गया, ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी सी मूल कर्तव्य और डी नोटा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे कि भारतीय संविधान में भ्रातृत्व या मैं बात करूं भाईचारा ब्रदरहुड शब्द का प्रयोग कहां किया गया है, ये किया गया है तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य। प्रस्तावना मैं पढ़ा चुका हूं लगभग आपको, ये जिसने नहीं देखी मेरे पीछे की वीडियो जाके देखिएगा, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो मुझे बताइए यदि प्रस्तावना मेरा आपको वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि जो भ्रातृत्व जो शब्द है वो भारतीय संविधान में कहां यूज किया गया, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसका आंसर दीजिए फटाफट कि भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का प्रयोग किया गया, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। हाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हाँ गौरी शंकर हेलो हेलो सर हेलो, बिल्कुल बताइए भाई आंसर बताइए, कमेंट बहुत लेट आते हैं। चलो मैं बता देता हूँ भारतीय संविधान, थोड़ा मुझे लग रहा है टफ पढ़ रहा है लोगों के लिए, कोई पढ़ा नहीं होगा अभी, कि भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का प्रयोग किया गया। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में भ्रातृत्व जो शब्द है एक तो प्रस्तावना मिलता है और एक काम मिलता है मौलिक कर्तव्य में, ठीक है ना। यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे अपने पास में, दो हो जाएंगे ए और सी, ए एंड सी बोथ इसका आंसर होगा। क्या होगा, अच्छा आपको ये लग रहा हो सर आपने ऑप्शन नहीं दिया ऐसा, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ आपके लिए एक ऑप्शन बना देता हूँ ए एंड सी, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों जगह जो भ्रातृत्व शब्द का उपयोग किया गया भारतीय संविधान में। हाँ अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि भारतीय संविधान जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाईचारा जो शब्द लिया गया वो कहाँ से लिया गया भाई,
तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है। चलिए अब आगे बढ़े अपन नेक्स्ट। चलिए मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में लिखित रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, किस देश में दर्जा लिखित रूप में दर्जा प्राप्त हुआ? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी भारत और डी जापान। बताइए मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में लिखित रूप में दर्जा प्राप्त हुआ? या मैं स्पष्ट भाषा में बोलूं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार विश्व में सबसे पहले किस देश में लिखे गए? बताइए कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। दक्ष स्टडी सेंटर सलोमवर आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, इवनिंग में मुझे मौका मिलता है विद्यार्थी से रूबरू होने का। आप लोग इसी प्रकार से उत्साह बनाए रखें और इस पेज को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये जो जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी संविधान की मौलिक अधिकार जुड़ी हुई, वो सब तक साझा हो सके और सबको इसका महत्व और इसका फायदा मिल सके। तो मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में लिखित रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था? बताइए मुझे कमेंट करके, फटाफट बताइए। विनाश बोल रहा है हेलो, बिल्कुल हेलो। अविनाश तिवारी सी, सूर्या बनकर बी। ओके हाँ, देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में लिखित रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका में। आंसर सही क्या है? अमेरिका। आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, लिखित संविधान कहाँ का भाई? अमेरिका का है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान अमेरिका का है। इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि अमेरिका में सबसे पहले मौलिक अधिकार लिखे गए, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में मौलिक अधिकार कहां से अपनाए, तो याद रखिएगा भारत ने मौलिक अधिकार, भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से अपनाए या लिए अपनाए। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की यदि कहीं चर्चा हुई, कहीं मांग उठी, तो ब्रिटेन उठी 1215 ईस्वी में जॉन द्वितीय के समय। वहां किसानों ने मांग की और उसको मेघना काटा कहा गया था, क्लियर बात। दूसरी बात आती है कि 1789 के अंदर जो है भ्रातृत्व, समानता, स्वतंत्रता जैसे शब्दों की मांग हुई फ्रांस की क्रांति में। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार लिखे कहां गए, तो अमेरिका में लिखे गए, ठीक है ना। अमेरिका का संविधान सबसे प्राचीन लिखित संविधानों में आता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि भारत ने मौलिक अधिकार कहाँ से अपनाया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत जो देश है वो क्या है भाई? अमेरिका है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से अपनाए? अमेरिका से अपनाए, और अमेरिका में ही विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार लिखे गए, ठीक है ना। यदि लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मौलिक अधिकारों की जननी देश, जननी या मैं बोलूं जनक देश है, ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी जापान। क्वेश्चन है मेरा कि मौलिक अधिकारों की जननी या जनक देश है ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन और डी जापान। बताइए कमेंट करके फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारी है।
दुर्गा शंकर का आंसर ठीक था। ओके हाँ बताइए, कमेंट कीजिए भाई। ओके बी आंसर आ रहा है विद्यार्थियों का, गुड। यानी मौलिक अधिकारों की जननी या जनक देश क्या है भाई? ब्रिटेन है, याद रखिएगा। बहुत सारी आप उसमें हमारा आंसर क्या है, यानी मौलिक अधिकारों की जननी या जनक देश कौन है भाई? ब्रिटेन है। तो देखिए वापस मैं फिर बता रहा हूं कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहां पर हुई? तो ब्रिटेन में हुई। कब हुई? 1215 में, ठीक है। फिर बात आता है कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार लिखित रूप में, तो वो आंसर आ जाता है अमेरिका। फिर तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि मौलिक अधिकारों की जननी या जनक देश, तो उसका आंसर हो जाता है ब्रिटेन। फिर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत ने मौलिक अधिकार अपनाए, कहां से अपनाए भाई? अमेरिका से। ये चार क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए, और ज्यादा नहीं। तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग ब्रिटेन में हुई 1215 में, विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार लिखित रूप में प्राप्त हुए अमेरिका में, मौलिक अधिकारों के जनक देश कौन है? ब्रिटेन। और भारत ने मौलिक अधिकारों कब कहां से अपनाए? तो अमेरिका से। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब अपन बात करते हैं भारत की, और कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की। क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बी आर अंबेडकर, सी बाल गंगाधर तिलक, और डी महात्मा गांधी। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग के द्वारा की गई है किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। बताइए फटाफट जवाब दीजिए, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। पुखराज कटारा बोल रहा है ओके। जितने भी लोग देख रहे हो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुपों में, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक की बात पहुंच सके। कविता व्यास आंसर बता रही सी, गुड। यहाँ पर लाइक और शेयर ही हमारे को प्रोत्साहित करता है कि हम जो है ये क्लासेस ले सकें, और आप रात में भी अंदर बैठे बैठे आराम से रजाई के अंदर आप क्लास का मजा ले सकते हैं। लेकिन वो शेयर और लाइक होगा तो ही भाई एटलीस्ट हमें भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ विद्यार्थी देख रहे हैं और इसको सराह रहे हैं। हाँ तो आंसर अभी तक एक दो विद्यार्थियों के आए हैं कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने की है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो आंसर इसका जो सही है वो अभी तक आर जे की चर्सी। ओके गुड। हाँ तो देखिए एक्चुअली सही आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक। यानी मौलिक अधिकारों में सबसे पहले मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। आपको याद होगा कि संविधान सभा की मांग भी सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में। 1895 बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसी की बात कर रहे हैं, अरे भाई इसी की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो बात समझ वाली होगी आपको कि बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की जब मांग की थी कि भारतीय संविधान सभा एक होनी चाहिए जिससे वो अपना संविधान बना सके, और सबसे पहले मांग 1895 में की थी, अर्थात स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये अधिकार है, मौलिक अधिकारों की मांग भी सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत सारे विद्यार्थी सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर दे रहे थे। एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि उपाध्यक्ष या उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे अपने, जिसको अपन उपाध्यक्ष बोल सकते हैं या उप समिति के अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, आपको उपाध्यक्ष या उपसमिति के अध्यक्ष वो थे बेनेगल नरसिंहा राव, जेबी कृपलानी यानी जीवितराम भगवान दास कृपलानी, ये थे उपाध्यक्ष और ये थे अध्यक्ष। तो बहुत सारे विद्यार्थी भी आंसर बता रहे थे कि भारतीय संविधान सभा सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? तो मांग करने वाले सरदार वल्लभ अपने बाल गंगाधर तिलक थे, जबकि मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उपाध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और एक और चीज महत्वपूर्ण होती है कि संविधान सभा या मैं बात करूं प्रारूप समिति के द्वारा सर्वाधिक समय तक सुनवाई मौलिक अधिकारों की हुई थी। मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई थी प्रारूप समिति या संविधान सभा के द्वारा, ये भी ध्यान रखेगा। इसीलिए मौलिक अधिकारों को बी आर अम्बेडकर ने इन्हें सूर्य के समान प्रकाशमान या अलौकिक बताया था। अभी मैंने फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बताया था आपको, तो वही चीज आ जाती है वापस से कि मौलिक अधिकारों को अपन क्या कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है क्योंकि इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कहा था, और बी आर अम्बेडकर ने इन्हें सर्वाधिक प्रकाशमान और अलौकिक भाव। तो ये भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रकाशमान या अलौकिक भाग किसे कहा है, तो याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को कहा गया है। अब अपने आगे बढ़ते हैं अपन, और बात आती है कि मौलिक अधिकार भी बता रहा था कि भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद मैंने बताया था कि 12 से 35 के मध्य है, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि भारतीय मूल
संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 32, डी 24। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, इसका जवाब दीजिए मुझे। कुल कितने मौलिक अधिकार थे? प्रकाश ने नाम बोल रहा 6 यानी ए। ओके ए भैया, शेयर नहीं किया क्या आप लोगों ने? शेयर करो फटाफट। देखिए, मैंने आपसे पूछा कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम विद्यार्थी गलत दे रहे हैं, इसका सही आंसर है 7। भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने बचे? 6। तो देखो, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अब कब हुआ, क्या हुआ, इन्हें हम कह सकते हैं कि एक बार मैं हटा के लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में यदि आपसे पूछे मूल संविधान में मौलिक अधिकार, तो आप जवाब दीजिएगा 7। और आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप बताएंगे 6। अब आप बताते हैं कि सर एक काम है, तो एक हटा दिया गया, एक क्या कर दिया, हटा दिया। कौन सा हटाया भाई? तो जो संपत्ति का मूल अधिकार जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 31 में, आर्टिकल 31 में, तो संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर इसे नए अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, और एक विधि या मैं कहूं कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानून बना दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार के 7 थी, वर्तमान में 6 है, संपत्ति का जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 31 जो है उसको हटा दिया गया, और वर्तमान में 31 को सिर्फ कहां पर दिया, 300A में या 300K भी लिखा हुआ मिल सकता है, और ये विधि सम्मत बना दिया इसको, ठीक है ना। इस चीज को आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, क्लियर। अब बात करते हैं कि कब किया गया ऐसा, तो ऐसा कब हुआ, ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, और एक मौलिक अधिकार कब हटाया, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मौलिक अधिकार कब हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया, और आपको स्पष्ट पता होना चाहिए हटाने का कारण क्या रहा था। अब ये चीज यदि आपको समझ में आ रही तो बता रहा हूं, क्लियरली सारी को डिटेल में बता रहा हूं आपको एक एक करके। हाँ, तो जो 7 जिन्होंने आंसर दिया ना, उनको समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने एक्चुअली पूछा क्या था, मैंने ये पूछा था कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978, वेरी गुड।
हाँ यही मैं बता रहा हूँ कि भाई 44वें संविधान संशोधन 1978 में ही हटा दिया गया था, और आपको ये पता भी होगा कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1978 में कौन आ गए थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी और उन्होंने ये काम किया था। तो जितने भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको समझदार हो कि इसको सही रोड लाइन पर करना। हाँ तो बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर हो गई होगी बात, जो मूल संविधान जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या कितनी थी भाई 7, और वर्तमान कितनी उनकी संख्या 6, संपत्ति के मूल अधिकार जो अनुच्छेद 31 में आता था, आर्टिकल 31 में आता था, उसको हटा के वर्तमान में 300 ए या पे में जोड़ दिया, उसको विधि सम्मति या कानूनी अधिकार बना दिया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये काम किया गया था। क्लियर, अब देखिए एक और अच्छा से क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकारों पर, कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति है ऑप्शन ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी दोनों, और डी दोनों ही नहीं। नोटा बताइए मुझे, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन के, दिख रहा होगा आपको कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति है सकारात्मक नकारात्मक दोनों, और दोनों ही नहीं, यानी कि नोटा। बताइए आंसर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? बी नकिता का आंसर है नेगेटिव, ओके जन 24 सभी नकारात्मक, खेमचंद सैनी सी दोनों, विक्की बी, वीरेंद्र सिंह सी इन दोनों, अच्छा ईश्वर सिंह सी, मुकेश मीना सी, कविता व्यास भी, बहुत सारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सुनन बेल सी, मैंने बात की भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति है दोनों नहीं है, दोनों बात नहीं है, गलत आंसर दे रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। याद रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है, नकारात्मक है, प्रकृति कैसी है नकारात्मक है, और ये वाद योग्य है, ये भी याद रखिएगा वाद योग्य, यानी वाद योग्य का मतलब ये सिंपल से होता है कि इन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इन पर वाद विवाद किया जा सकता है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सीधे कोर्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत अच्छा मामला है मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ, जो सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकता है, बाकी सारे सारे मामले सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाते हैं उनके बारे में कभी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार प्रकृति के से नकारात्मक याद रखेगा, और दूसरी बात क्या है भाई वाद योग्य है, ठीक है, क्लियर बात। यार अब आपको ये लग रहा होगा कि ये नकारात्मक कैसे हैं, ये बात है तो मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक कैसे, देखो कि सिंपल से एग्जांपल दूं आपको कैसे मौलिक अधिकार नेगेटिव हो जाते हैं और कैसे अपन इनके जो प्रकृति नकारात्मक बताते हैं। जैसे सिंपल से एक अधिकार दे दिया गया समानता का अधिकार है, क्या अधिकार है समानता का अधिकार, अपन पढ़ेंगे भी फर्स्ट अधिकार भी यही है, असमानता का अधिकार अपन देखते हैं कि भाई विधि के समक्ष समानता का अधिकार मान लो, हाँ? लोक नियोजन में समानता का अधिकार मान लो, अब मान लो लोक नियोजन में समानता का अधिकार, जैसे भी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में मान लिया कि कोई महिला और एक पुरुष है,
उन दोनों की अलग अलग एग्जाम हो गई, एग्जाम दे दिया उन्होंने, उसके बाद मान लो फिजिकल एग्जाम आई। अब वहां फिजिकल एग्जाम आई तो क्या महिला और पुरुष को क्या समानता का अधिकार मिलने वाला है इसमें? आपको अवसर नहीं मिलेगा, तो ये क्या हुई, प्रकृति नकारात्मक हो गई। समझ में आ गई बात आपको? तो ऐसा सब जगह है, ठीक है ना, ऐसा बहुत सारे आप देखोगे, पढ़ेंगे अपने जब चर्चा करेंगे इनमें, तो भाई कैसे इसकी प्रकृति नकारात्मक हुई। समझ में आई बात आपको? अरे नकारात्मक प्रकृति कैसी हुई, समझ में आई बात? वापस बता रहा हूं कि जैसे मान लो एक महिला और पुरुष, जहां अपन एक बात एक और बात कर रहे हैं समानता के अधिकार की, वहीं दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि समानता का अधिकार, अपन क्या सर स्त्री और पुरुष समान है, महिला और पुरुष समान है, अपन बात करें लड़का और लड़की समान है, ठीक है समान है, एग्जाम पेपर एक सा हुआ, कट ऑफ दोनों की अलग लगाई, तो फिर समानता का अधिकार, अब वो सर वो तो आरक्षण आ गया, तो ये यही तो नकारात्मक प्रकृति को लेके जा रहे हैं, ठीक है ये बात आप सुनने। या मैं बात करूं कि भाई महिला को दौड़ कम करेंगे, पुरुष को दौड़ ज्यादा करेंगे, महिला का फिजिकल वर्क कम होगा, पुरुष का फिजिकल वर्क ज्यादा होगा, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं सिंपल सा कि जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति इस प्रकार की नकारात्मक है। लेकिन ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा, मौलिक अधिकार वादियों के हैं और प्रकृति किस प्रकार की है, नकारात्मक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन मौलिक अधिकारों की ओर, और मौलिक अधिकारों में सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 क्या करता है भाई, तो याद रखिएगा राज्य को परिभाषित करता है, क्या करता है, राज्य को परिभाषित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, राज्य को परिभाषित करता है या राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो एक ही सूत्र मिल जाता है कि अनुच्छेद 12 के अलावा भारतीय संविधान में राज्य शब्द को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है, किसे लिख रहा हूं मैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 के अलावा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद व्याख्या करता है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 52 और डी अनुच्छेद 111। ये तीन अनुच्छेद दिख रहे होंगे आपको, चार ऑप्शन लिखे मैंने कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 के अलावा निम्न से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य शब्द को व्याख्या करता है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 के अलावा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य शब्द की व्याख्या करता है। कविता व्यास बता रही है अनुच्छेद 32 बी आया ओके 36 गुड। हाँ तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 36, याद रखिएगा अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 ये भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, या मैं इसको बोलता हूं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें भी जो है अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को व्याख्या किया गया। अब बात आती है सर राज्य क्या है, राज्य किसे कहोगे? देखो पहली बात तो अनुच्छेद 1 मैंने आपको बताया था एक दिन, तो 1 में मैंने बताया था कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान में हर जगह राज्य 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 वर्ड की व्याख्या की गई है, या सॉरी राज्य राज्य शब्द लिखा जाता है, हर जगह लिखा जाता है कि राज्य में ऐसा होगा, राज्य में ऐसा होगा, राज्य में प्रधानमंत्री होगा, राज्य में राष्ट्रपति होगा, राज्य में ये होगा। तो ये जो राज्य है, राज्य का मतलब यहां है भारतीय संसद से, भारतीय जितने भी डिस्ट्रिक्ट राज्य हैं उनकी विधानमंडलों से, भारत सरकार के जितने भी सरकारी तंत्र हैं उन सभी से,
भारत सरकार की जितने भी सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या कंपनीज हैं उनसे, ये मैं बात करूं चाहे वो राज्य का मतलब उस राज्य या उस भारत या राज्य राजस्थान के स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो और चाहे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो जहां लोगों के हित की बात होती हो जो गवर्नमेंट फंडिंग द्वारा संचालित होते हो, तो वो सभी राज्य हैं या वो सभी राज्य को व्याख्या करते हैं। बहुत बार मन में आता है सर ये राज्य है क्या, तो राज्य समझ में आया, वो राज्य क्या है यानी उस राज्य में या मैं कहूँ उस देश में जो भी सिस्टम है, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या मैं बात करूँ अपने चाहे कंपनी की बात करूँ जैसे गेल हो, LIC हो, ये भी राज्य शब्द को हो शामिल होती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 के अलावा अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अब बात करता हूं नेक्स्ट अनुच्छेद 13 की, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा एक आर्टिकल है अपने लिए। अनुच्छेद 13 मैं ये कह सकता हूं इसके बारे में कि मौलिक अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मौलिक अधिकारों का सबसे सॉरी मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये वो अनुच्छेद है जो विधि शब्द की व्याख्या करता है, विधि शब्द की व्याख्या करता है, ये वो शब्द है जो विधि शब्द की व्याख्या करता है, विधि शब्द की व्याख्या करता है। या मैं ये कहूं कि ये न्यायिक पुनरावलोकन लोकन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है या विधि शब्द की व्याख्या करता है। ये मैं कहूं मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। न्यायिक पुनरावलोकन एक बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा सा वर्ड आपको दिखाई देता है लेकिन बहुत ही सार्वजनिक और बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है न्यायिक पुनरावलोकन। किसे अपन न्यायिक पुनरावलोकन बोलेंगे, क्या होती है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया, इसकी अपन चर्चा कल करेंगे। आज अब मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, उसका मुझे जवाब दीजिएगा आप सभी। आशा है कि आप इसका सभी जो है एक सही आंसर मेरे तक पहुंचाओगे। और क्वेश्चन है भारतीय संविधान में B.R. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 36 और डी अनुच्छेद 13। यह आंसर इसका दीजिए मुझे फटाफट और इस वीडियो के एंड होते ही इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए DAKSH दक्ष STUDY स्टडी सेंटर CENTER सेंटर स्पेलिंग देखिएगा CENTER है RE नहीं है याद रखिएगा। दक्ष स्टडी सेंटर के नाम से आपको यूट्यूब चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। इसी प्रकार से आप रोजाना जो है ये लाइव क्लास शाम को 7:30 से 8:30 के मध्य देख सकते हो दक्ष स्टडी सेंटर के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर।
बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान मुझे मौका देता है रोजाना विद्यार्थियों से रूबरू होने का, उसके लिए फिर से मैं दक्ष परिवार और दक्ष संस्थान और संस्थापक को डायरेक्टर गणपत कृष्णा यादव का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।